मेरठ भारत के 75 जनपदों वाले राज्य उत्तर प्रदेश का एक महानगर शहर है। ये प्राचीन नगर भारत की राजधानी नई दिल्ली से 72 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। मेरठ शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली NCR का एक हिस्सा है। यहाँ पर भारतीय सेना की एक छावनी भी है। मेरठ शहर उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले जिलों में से एक है। ये शहर उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी है, जो बड़े स्तर पर खेल के सामान और वाद्य यंत्रों का निर्माण करता है। मेरठ जिले का संबंध पौराणिक काल से बताया जाता है। माना जाता है यहाँ महाभारत में उल्लेख हस्तिनापुर स्थल के अवशेष प्राप्त किए गए थे। कहा जाता है कि पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन द्वारा लाक्षा ग्रह का निर्माण यहीं पास में करवाया गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि अशोक काल के दौरान इस नगर पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत सन 1857 में 10 मई को मेरठ से ही की गई थी। मेरठ जिले में कुल 12 ब्लॉक, 34 जिला पंचायत और 80 नगर निगम पार्षद हैं। मेरठ जिले में कुल 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र, बागपत लोकसभा क्षेत्र और मेरठ लोकसभा क्षेत्र शामिल है। लगभग 2522 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए मेरठ जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 34 लाख से ऊपर थी। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से मेरठ जिले में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 885 लड़कियां जन्म लेती हैं। मेरठ शहर की साक्षरता दर 74.8% है। इससे ये पता चलता है मेरठ शहर की अधिकांश आबादी पढ़े लिखे वर्ग की है। मेरठ जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। मेरठ के उत्तर में मुजफ्फरनगर, मेरठ के दक्षिण में बुलंदशहर और मेरठ के दक्षिणी पश्चिम में गाजियाबाद और बागपत जिला पड़ता है। मेरठ शहर का सराफा बाजार एशिया का नंबर एक व्यवसाय बाजार है। सोने के बारे में कहे तो मेरठ का सराफा बाजार पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में मेरठ शहर की कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। मेरठ शहर का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह मेला 1672 में पशु मेले के रूप में शुरू हुआ था। बाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंदी देवी का मंदिर एक दूसरे के निकट ही स्थित हैं। मेले के दौरान मंदिरों के घंटों के साथ अजान की आवाज एक सांप्रदायिक आध्यात्म की प्रतिध्वनि देती है। यह मेला लगभग होली के एक सप्ताह बाद लगता है और एक माह तक चलता है। नौचंदी मेले का स्वरूप पौराणिक मेरठ के इतिहास से जुड़ा है। मुगल काल से चले आ रहे नौचंदी मेले ने शहर के कई सारे स्वतंत्रता आंदोलन को महसूस किया है। स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों के संघर्ष की नौचंदी गवाह बनी, वहीं शहादत के दर्द को भी मेले ने करीब से महसूस किया है। मेरठ शहर का घंटाघर अपने आप में एक रहस्यमय स्थल है, जिसको 17 मार्च 1913 में बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है पुराने समय में इस घड़ी की सुई की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक जाती थी। शहर ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी इस घंटाघर की आवाज से अपनी घड़ी का मिलान किया करते थे। मेरठ शहर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मेरठ शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन मेरठ का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्य रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये रेलवे स्टेशन मेरठ बुलंदशहर लाइन और दिल्ली मेरठ सहारनपुर लाइन पर मौजूद है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 13 है। मेरठ जंक्शन रेलवे स्टेशन के जरिए रोजाना लाखों की तादाद में यात्री आवागमन करते हैं। मेरठ जंक्शन अपने रेल मार्ग के जरिए दिल्ली, जम्मू, अम्बाला, सहारनपुर तथा भारत के कई अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरठ शहर में कुल 4 विश्वविद्यालय हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, शोभित विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय। इसके अलावा नगर में कई सारे महाविद्यालय और विद्यालय भी मौजूद हैं। क्रिकेट का सामान बनाने के मामले में मेरठ पहले स्थान पर है। आज के समय में मेरठ के बने हुए क्रिकेट के बल्ले पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। छक्का चाहे विराट के हाथ से लगे या क्रिस गेल के हाथ से, बल्ला तो मेरठ का ही चमकता है। स्पोर्ट्स के लिहाज से देश में जालंधर के बाद मेरठ का दूसरा स्थान है। देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए कुछ उद्योगपति ने यहाँ खेल का सामान बनाने की शुरुआत की थी, जो आज विश्व स्तर पर मेरठ को पहचान दिला रहा है।
क्रिकेट ही नहीं, अन्य खेलों में भी देश विदेश की बड़ी कंपनियां अपना सामान मेरठ से बनवा रही हैं। मेरठ शहर में स्थित हस्तिनापुर मेरठ जिले का एक नगर है, जिसका संबंध पौराणिक काल से बताया जाता है। हस्तिनापुर नगर का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार हस्तिनापुर नगर कुरु साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। गंगा नदी के तट पर स्थित यह नगर भारतीय पौराणिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाभारत काल की कई सारी घटनाएं इस नगर से जुड़ी हुई हैं। 100 कौरव भाइयों का जन्म भी इस नगर में हुआ था। यहाँ स्थित द्रौपदी घाट और करण घाट महाभारत की याद दिलाता है। मेरठ शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी पूरे भारत में जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी मेरठ शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना मेरठ का भ्रमण अधूरा है। शहीद स्मारक। मेरठ शहर में बना शहीद स्मारक सबसे पुराने युद्ध स्मारकों में से एक है। सफेद मार्बल से बना ये स्मारक 30 मीटर ऊंचा है और इसका निर्माण युद्ध में शहीद हुए भारतीय सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। विशेषकर इसका संबंध 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई से है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर काफी लोग इस स्मारक पर पहुंचते हैं और देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। ओगड़नाथ मंदिर। मेरठ शहर का प्रसिद्ध ओगड़नाथ मंदिर मेरठ के प्रसिद्ध मंदिर और पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन विशेष रूप से 1857 की क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय सेना को काली पलटन कहा जाता था, क्योंकि ये मंदिर सेना बैराग के नजदीक था, इसीलिए इस मंदिर को भी काली पलटन के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भोलेनाथ से जुड़े होने के कारण यहाँ भक्तों का आना जाना काफी ज्यादा मात्रा में लगा रहता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार मराठा शासक युद्ध के लिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ आराधना किया करते थे। ये मंदिर भारतीय इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करता है। अतीत की बेहतर समझ के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। सेंट जॉन चर्च। मेरठ भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ की सेंट जॉन चर्च से भी कर सकते हैं। ये एक प्राचीन चर्च है जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1819 में किया गया था। ये उत्तर भारत की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। यहाँ वो ऐतिहासिक स्थल भी हैं जहाँ अंग्रेज और भारतीयों के बीच कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। इतिहास की बेहतर समझ के लिए आप यहाँ की सैर का प्लान बना सकते हैं। बाले मियाँ की दरगाह। मेरठ शहर में स्थित बाले मियाँ की दरगाह एक प्राचीन दरगाह है, जिसका निर्माण 1994 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह दरगाह अपने वार्षिक त्योहार उर्स के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस दौरान यहाँ दूर दूर से मुस्लिम धर्म के लोगों का आगमन होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाए।